नमस्कार, इस समय मौजूद हैं करनाल के सेक्टर 14 में स्थित कृष्णा मंदिर में और एक बहुत ही अनोखी लव स्टोरी की इस समय हम आपको खबर दिखा रहे हैं। फेसबुक पर मिले दोनों प्रेमी और आज इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कि इन दोनों की यहाँ पर शादी हुई है। लड़की की बात की जाए, यूएसए से ये लड़की है जो कि हालांकि दूसरी बार इंडिया आए और आज इन्होंने अपने प्रेमी से जो है यहाँ पर शादी की। आप इस समय लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के कृष्णा मंदिर से। वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। हमारे साथ यहाँ पर जो दुल्हन है वो मौजूद है, उनसे हम एक बार ही जानना चाहेंगे। मैम, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट योर मैरिज? हाउ डिड यू गाइस मेट एंड हाउ वाज द होल एक्सपीरियंस? वी मेट चैटिंग ऑन फेसबुक फॉर लाइक वी वर चैटिंग फॉर 6 months एंड देन इन मई इन 2019 आई केम ओवर हियर टू इंडिया एंड दिस इज माय सेकंड टाइम सितंबर दिस इज माय सेकंड टाइम हियर। सो सिंस हाउ लॉन्ग डू यू गाइस नो ईच अदर? 1 year इन दिसंबर। एंड हाउ वाज द होल एक्सपीरियंस कमिंग टू इंडिया एंड गेटिंग मैरिड टू हिम? हाउ वाज द एग्जॉस्टिंग बिकॉज़ इट्स अ लॉन्ग ट्रिप, 23 आवर्स। So you basically, where are you from? Anaheim, California, United States. So if we talk about the marriage rituals of India, how was that experience? You met his family. How was the experience with them? What would you like to tell about it? Like every single day was here. How was the experience? How were the people of India? His family, very sweet people. I love them, and it's been great. सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसे आप लोग मिले? कब से ये पूरी लव स्टोरी की शुरुआत हुई और आज आप लोगों ने शादी की है, यहाँ पर क्या कुछ बताना चाहेंगे? बस 1 साल हो गया, हम साथ ही हैं, चैटिंग कर रहे हैं। पहले भी आई थी, मई में आई थी, मिल के गई है, वहाँ पे साथ रहे हैं 20-25 दिन। फिर अब 1 महीना पहले आई थी, अब 1.5 महीने से हम साथ हैं, फिर शादी की हमने। आगे का सर क्या कुछ आपका प्लान है? आगे मैडम देखते हैं, चल रहा है जो कुछ है। शादी कर ली, अब रहेंगे साथ। So ma'am, what are you planning to do for the future? Like, are you planning to go back to US with your husband or you'll be staying here in India? I'll be going back, taking him with me to United States of America. तो ये आपने देखा, हमारे साथ यहाँ पर जो दुल्हन है वो मौजूद थी और जैसा कि उन्होंने बताया कि वो अब अपने पति को जो है अपने साथ यूएस लेके जाने वाली है। हालांकि जब हमने पति से ये सवाल पूछा तो उन्होंने अभी तक हालांकि इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आपने लाइव तस्वीरें देखी किस तरीके से फेसबुक पर मिला ये प्रेमी जोड़ा। आज इन्होंने करनाल के सेक्टर 14 में स्थित कृष्णा मंदिर में जो है शादी करवाई। आप इस समय लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो ये अब लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 14 के कृष्णा मंदिर से, जहाँ पर एक बहुत ही अनोखी मैरिज हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से यूएसए से एक एनआरए लड़की जो है यहाँ इंडिया आती है सेकेंड टाइम और अपने प्रेमी से जो है आज फाइनली उसने शादी कर ली। उनके जो पिता हैं वो हमारे साथ मौजूद है, एक बार उन्हीं से जानते हैं। जी सर, कैसे क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे ये सब कुछ स्टार्ट हुआ और आज फिर शादी? ये 1 साल से दोनों इकट्ठे हैं, 1 साल से ज़्यादा बातें चीतें करते हैं आपस में और हमें पता भी था भाई, चलो ठीक है, बाकी हम खुश हैं जिनसे। तो आप करनाल से रहने वाले? हाँ जी, करनाल विकास कॉलोनी। विकास कॉलोनी से, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार जी। मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? बाहर से जो है आपकी डॉटर इन लॉ आई है यहाँ पर स्पेशली मैरिज करने के लिए, तो खुश हैं आप इनकी मैरिज से? जी, हम खुश हैं जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस जी, ये खुश रहें दोनों, हमें इनकी खुशी में खुशी है। तो आप देख सकते हैं, चाहे पेरेंट्स हो, काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि पिछले 1 साल से जो है वो लोग चैट पे, फेसबुक पे के थ्रू जो है वो मिले थे और आज फाइनली उनकी शादी हो गई। एक बार फिर से हम लड़के के पास जाना चाहेंगे जिसकी यहाँ शादी हुई है। जी सर, क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे जो है ये शादी आज आपने की है? सुशील नाम मेरा, करनाल के रहने वाले हैं, विकास कॉलोनी से। बाकी सभी हिंदू धर्म के अनुसार शादी हुई है। तो सर, कहाँ से आपकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई? 1 साल हो गया, फेसबुक पे मिले थे, बस चैटिंग स्टार्ट की थी। तो सर, आगे का क्या कुछ प्लान रहने वाला है? यहीं इंडिया में ही रहने वाले आप लोग? देखो, अभी तो मैडम शादी की है, अभी रहेंगे यहीं पे, 5-6 महीने यहीं पे रहेंगे, फिर देखते हैं क्या रहेगा। मैम, व्हाट यू वुड लाइक टू टेल, लाइक फ्रॉम वेयर यू गाइस स्टार्टेड, वेयर यू मेट, अबाउट द कंप्लीट होल एक्सपीरियंस? I don't know what else to say, but I mean, people should try it and get to meet each other through Facebook is fine. And what are your further plans? Would you like to settle in India only, or would you like to going back to your country? I'm gonna stay here for a few more months, and then I'm gonna go back to my country, and then I'm gonna take him with me. So you're gonna take him with you, and what's your name? Malina.
तो जैसा कि इन्होंने बताया किस तरीके से कुछ महीने यहीं रहेंगी, फिर अपने हस्बैंड को भी अपने साथ ही लेके जाएंगी, तो एक बहुत ही अनोखी मैरिज। जितना ज़्यादा हो सके खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा किस तरीके से ये जो प्रेमी जोड़ा है फेसबुक के थ्रू मिलता है और आज फाइनली जो है इनकी यहाँ पर शादी हुई है। बहुत बड़ी खुशखबरी की बात भी है किस तरीके से एक NRI लड़की जो है इतनी दूर से इंडिया आई और उसके बाद जो है जहाँ एक साल से ये लोग फेसबुक पर बात कर रहे थे, चैट कर रहे थे, वहीं आज इनकी फाइनली शादी हो गई है। आप देख सकते हैं सभी फैमिली मेंबर्स हो, दूल्हा हो, दुल्हन हो, सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं। लड़की का यही कहना है जहाँ पिछले एक साल से वो लोग फेसबुक पे बात कर रहे थे, चैट कर रहे थे, आपस में उन्हें प्यार होता है किस तरीके से, और उसके बाद फिर सेकेंड टाइम जब पहले भी वो मई में इंडिया आई थी, एक महीना यहाँ रही, और जब सेकेंड टाइम वो इंडिया आती हैं तो यहाँ पर फाइनली आज जो है उन्होंने शादी कर ली है। और उनका यही कहना है कुछ टाइम तक वो इंडिया में ही रहेंगी और उसके बाद अपने हस्बैंड को लेकर अपनी कंट्री में वापस जाएंगी। ऐसे में जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। नीरा मटा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।